नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुपद है जो कक्षा 10वीं के अंदर आता है। इस वीडियो की तालिका इस प्रकार है कि सबसे पहले अपन बहुपद के शून्यकों के बारे में जानेंगे और बाद में अपन द्विघात बहुपद के शून्य तथा उनके गुणांकों में संबंध जानेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं बहुपद की घात, जिसे अंग्रेजी में डिग्री कहा जाता है। बहुपद की जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं दो घात वाले बहुपद, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। जब बहुपद की उच्चतम घात दो होती है तो वो दो घात वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये ए बी और सी को कह गुणांक है और अभी देखेंगे इनको, और ये जो यहाँ पे एक्स की उच्चतम घात कितनी है दो है, तो इनको दो घात वाले बहुपद कहा जाता है। अब अपन एन घात वाले बहुपद उनके बारे में जानते हैं। ये जो बहुपद दे रखा है इसके अंदर देख रहे हो कि जो एक्स है इसकी उच्चतम घात कितनी है एन है, तो ये एन घात वाले क्या होंगे, बहुपद होंगे। यहाँ पे जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए वन है, ए टू, तो ये क्या होंगे, इसके क्या होंगे, पदों के गुणांक होंगे, या अंग्रेजी में कहें तो कोफिशियंट्स होंगे। और जो ये पूरा ए एन एक्स की घात एन है इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं बहुपद के पद, और या इंग्लिश में कहें तो टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं बहुपद के शून्य, जिन्हें अंग्रेजी में जीरो दो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। बहुपद के शून्य वो होते हैं जिन पे उस बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसे कोई एक्स का मान नहीं क्या हो तो जिस पे बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए बहुपद है, इसके अंदर तुम एक्स का मान एक रखोगे तो इस बहुपद का मान जीरो हो जाए। उसी प्रकार अगर तुम तीन रखोगे तो भी इसका मान जीरो हो जाए। तो एक और तीन बहुपद की क्या है, शून्य है, क्योंकि एक और तीन बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो व्यापक रूप से अपने से कहेंगे कि ऐसा कोई एक्स का मान जिस बहुपद का मान जीरो हो जाए तो वो क्या, उसके क्या रहे होंगे, शून्य रहे होंगे। अब अपन द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध देखते हैं। जैसे मैंने ये माना कि ये कोई बहुपद रही होगी, इसकी शून्य तो पी और क्यू है ये माना है, तो इस ये जो बहुपद है इसको इसके शून्य में ऐसे लिख सकता हूँ, और ये के क्या है, एक स्थिरांक है। अब इनको अपन गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो देखो क्या है, जब इसको गुणा किया जाता है तो ऐसा लिखा जाता है। और अपन ने इस बहुपद को इसकी इसलिए बराबर किया क्योंकि ये इसके शून्य के रूप में लिखा हुआ बहुपद ही है। फिर k को अपन इसके अंदर ले जाते हैं, मतलब अंदर गुणा करते हैं, और फिर जब तुलना करते हैं तो यहाँ से इसके शून्य का योग क्या आता है, माइनस बी बटा ए आता है, और इसके शून्य का गुणा क्या आता है, सी बटा ए आता है। उदाहरण में देखो इसके अंदर शून्य का योग क्या दे रखा है, एक बटा चार दे रखा है, उनका गुणा क्या दे रखा है, माइनस एक दे रखा है। तो अपन ये वाले बहुपद मान लेंगे और इसके शून्य क्या है, पी और क्यू दिए हुए, तो अपने को पता ही है योग, तो अपने को पहले से पता है माइनस बी बटा ए होता है, तो अपन रख देंगे डी बन जाएगा। फिर अपन उनका गुणन कर लेंगे और क्या आएगा, सी बटा ए आएगा, तो तुम ऐसे बोल सकते। फिर ये एक के को ये स्थिरांक है, इसको वास्तविक संख्या मानी हुई है, तो यहाँ से तुम ए को के रख दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से के, तुमने जैसे ए को के रखा तो यहाँ से बी बी की जो मान है वो माइनस के बटा चार आएगा और सी का मान माइनस के आ जाएगा। ये इससे आया है और ये बी का मान एस से है, तो यहाँ से इस बहुपद का अब ए बी और सी रखेंगे तो ये वाला बढ़ जाएगा, तो इसको मतलब आगे मतलब के बटा चार बाहर ले लेंगे, और ये वाला क्योंकि ये के क्या है, स्थिरांक है, तो इसको तुम स्थिरांक है तो यहाँ पे के की वैल्यू कोई भी एक वास्तविक संख्या रख दो, क्योंकि अपने को एक बहुपद चाहिए, तो यहाँ पे तुम के की वैल्यू चार रख सकते हो, तो ये एक हो जाएगा और ये बहुपद तुम्हारा बाहर। इस उदाहरण में क्या दिया हुआ है, तुमने एक बहुपद मान ली है जिसके शून्य का वर्गों का योग कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, तो तुम्हें के की मान बताना था। तो अपन ने फिर से वही काम किया, पी और क्यू इस बहुपद में क्या माने, शून्य माने,
और सवाल के अनुसार तुम्हें पता है कि इनके वर्गों का योग कितना है, 40 दे रखा है। अब अपन बहुपद में से इसके शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल निकाल सकते हैं, तो 8 और k आ रहा है। फिर अपन इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि ये वाला हो जाएगा, क्योंकि तो अपने को यहाँ पे इसका योग भी पता है और ये जो पी की घात 2 है प्लस क्यू की घात 2 है इसका भी पता है, और पी गुणा क्यू भी अपने को इन तीनों से मतलब पता चल चुका है। तो फिर यहाँ से तुम सोल्व करोगे तो के का मान है वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद में एक और उदाहरण है, इसके अंदर अपने को जो ये बहुपद दे रखे इसका क्या निकालना है, शून्य के निकालना है। तो शून्य के निकालने के लिए इसके अंदर से तुम 4x को बाहर ले लो और ये एक्स प्लस 2 अलग हो जाएगा और ये 4x अलग। शून्य का अर्थ क्या होता है कि जिसमें बहुपद का मान क्या रहा होगा, 0 रहा हो। तो इस बहुपद को मैं इसे बराबर 0 कर दूंगा, तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि या तो 4x 0 रहा हो या x प्लस 2 0 रहा हो। तो यहाँ से या तो x 0 रहा हो या x की वैल्यू माइनस 2 रही होगी। तो यहाँ पे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बहुपद की शून्य का हो या तो 0 रहा हो या माइनस 2 रही होगी। इस वीडियो का सारांश ये है कि सबसे पहले मैंने आपको बहुपद के घातों के बारे में बताया, और फिर मैंने आपको द्विघात बहुपदों के बारे में बताया और उनके शून्य को जानकारी दी, और कुछ उदाहरणों के माध्यम से उनके शून्य को के बारे में समझाने की कोशिश की। वीडियो के अंत में मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और आप सबसे एक ही निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल OLINSS IITB को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।